हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। ये देख रहे हैं, ये कीवी का मोबाइल है। इस मोबाइल का FRP लग तोड़ेंगे हम, मतलब बिना कंप्यूटर बॉक्स के। तो देख रहे हैं मॉडल, आपको थंबनेल में तो आपको पता चल ही जाएगा, ये L3S मॉडल है कीवी का। तो इसका FRP लग तोड़ेंगे हम, मतलब बहुत आराम से, इजी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख रहे लगा हुआ है, देखिए इधर आपको एड वाला हम देखे है, इसमें आप क्लिक करना होगा। इधर जो छोटा वाला जो बंदा है उसमें क्लिक कर रहना है और फिर गूगल कीबोर्ड में सेटिंग में जाना है, 3 डॉट में क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर वाला में जाने के बाद ये देख रहे हैं, और फिर सोर्स लाइसेंस में क्लिक करना है। और ये किधर भी आपको टच करके देख रहे हैं, जैसे मैंने किया इधर, आपको फिर इस सर्च वाला में क्लिक करना है। इधर आपको F लिखने के बाद फाइल एक्सप्लोरर आ जाने के बाद, देखिए इसमें आपको ये बात है, आपको थोड़ा समझना होगा। इधर जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिंक डाउनलोड करके मेमोरी में रखना होगा, और फिर पहले आपको मेमोरी में लगा लेना होगा। देखिए इधर जाने के बाद आपको स्टैंडर्ड चूज करना है कि जो आपने डाउनलोड किया है ना मेमोरी में, वो फाइल का आपको देख रहे हैं। इधर आपको इसको इंस्टॉल करना है, गूगल मैनेजर होता है। देखिए इसमें ऐसा है कि बहुत हमने रखा हुआ है, जो प्रोसेस काम करेगा आप देखिए ये वाला है। और ऐसा है फ्रेंड्स कि ऐसा आपको ये तरीका सब बहुत सा मॉडल में आपको करने को मिल जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कीवी का मोबाइल है तो कीवी में ये तरीका नहीं, मतलब ये FRP में मेरे ख्याल से 4-5 तरीका ऐसा है मास्टर, जो बहुत सा मॉडल में काम कर देता है। देखिए इंस्टॉल हो गया, मैं फिर से दूसरा इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये क्विक शूटर है, इसको भी इंस्टॉल करना होगा आपको। ओपन करना होगा, और इस तरह का वीडियो में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपको आवाज़ तो ऊपर तो ध्यान देना ही है, पर आवाज़ से भी ज़्यादा ध्यान देना है आपको उधर जो क्लिक कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है। इस मोबाइल थोड़ा चाइनीज होने के कारण अच्छा से इसका टच नहीं वर्क करता है, इसलिए आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल सब लोकल कंपनी का होता है, इतना अच्छा टच डिस्प्ले नहीं होता है इसमें। पर आप करोगे तो अच्छा से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे ये गूगल अकाउंट मैनेजर है, देख रहे हैं इस वाला में आपको जाना है। इधर के बाद फिर ट्राई लिखा है, इसमें फिर देना है। अब इधर 3 डॉट में आपको क्लिक करना है, देखिए कोना में है, इसमें ब्राउजिंग सेटिंग में करना है क्लिक। अब इधर देखिए ओके फिर से कर देना है। इधर आपको Gmail ID डालना होगा, Gmail ID वो होना चाहिए जो आपके पास मौजूद है, इसका पासपोर्ट। और अब ऐसा इधर देख रहे हैं, इधर आपको Gmail ID डालना होगा, और Gmail ID ऐसा होना चाहिए इसका Gmail भी और पासपोर्ट दोनों आपको पता होना चाहिए, नया फ्रेश। देख रहे डाल रहे हैं हम, बनाए हुए हैं। अब इधर देखिए थोड़ा पासपोर्ट है, पासपोर्ट आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसका पासपोर्ट है, आप डालेंगे और इसके बाद आपको प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो में कुछ भी कट खुट नहीं है, 100% वीडियो है पूरा, देखिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं हमने पहले पासपोर्ट देख रहे हैं साइनिंग ले लिया। देखिए इसमें थोड़ा वीडियो में मिस्टेक हो गया, मैंने मत कीजिए, क्योंकि इस मोबाइल में अच्छा से टच नहीं काम करता, इसलिए ऐसा मुझसे हो गया था। इतना होने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है मोबाइल को, सिर्फ बस हो गया। अब ये समझ लीजिए इसका काम हो गया है, क्लास हो गया, बस थोड़ा आपको ऑन करके दिखाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो आप बोलोगे फेक है क्या है। और ऐसा है फ्रेंड्स, मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि जितना ही डालूंगा काम होने वाला वीडियो डालूंगा, इसमें कोई मतलब फेक डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डालना जो भी है अच्छा डालना चाहिए किसी को भी। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ, जो आपको हमेशा काम लगे। इधर थोड़ा आपको देखिए ऑन हो गया, अब इसको नेक्स्ट करना है सिर्फ। ये
इधर आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, दो मिनट, देख रहे हो उधर लिखा दिखा भी रहा है स्क्रीन पर, दो मिनट देख रहे हैं मेल मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है इसका। अभी प्रोसेस मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि ये जीमेल का जो है नया वाला का एंट्री कर रहा है और पुराना वाला का डिलीट कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा ही होता है। तो इधर आपको वेट करना है, कोई भी मोबाइल का जब ऐसे एफ आर पी तोड़ोगे तो आपको वेट करना है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इधर देखिए ये हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट। अब देखिए इधर नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए नेक्स्ट हो गया, इसको अलवेज देना है, मोड देना है, फिर से नेक्स्ट देना है। अब देखिए इधर रिस्टोर हो गया है, अब ये मोबाइल आपका बिल्कुल नया हो गया है, इसमें आप चाहे तो आप नया जीमेल डाल सकते हैं और फिर से आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गो टू इट निकल गया, देखिए हो गया पूरा काम प्रोसेस। इसी तरह आप फ्रेंड्स बहुत सारे मोबाइल का एफ आर बी लग तोड़ सकते हैं इस मेथड से। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और जिस बात का आपको समझ नहीं आया जरूर मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको चाहूँगा रिप्लाई देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, अगली वीडियो तब तक के लिए विदा चाहते हैं। ओके बाय।